हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली बार बार कमेंट बॉक्स में आ रहा था कि मैम आप मेडिटेशन कैसे करते हैं, आपका मेडिटेशन सेंटर कौन सा है। तो मैंने काफ़ी सारे मेडिटेशन तरीके अपनाए, लेकिन मुझे जो सहज योगियों का तरीका था, श्री माता जी निर्मला देवी के द्वारा बताया गया, वो काफ़ी ईजी लगा, जिससे कुंडलिनी अवेकन हो सकती है, बैलेंस हो जाते हैं हम लोग, एंड ईच एंड एवरी थिंग बहुत ईजीएस्ट वे से हो जाता है। तो आज जो है, मैं नए सहज योगियों के लिए मंत्र पुस्तिका के कुछ मंत्र उच्चारण करने वाली हूँ, कि जब भी हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिससे मेडिटेशन बहुत ही ईजी वे में हो जाती है और हमारा ध्यान भी लग जाता है। जो सहज योगी होंगे वो इन मंत्रों को अच्छे से जानते होंगे, और जो जिन्होंने नया ज्वाइन करा है, अभी ज्वाइन किया है, वो इन मंत्रों को आसानी से जो है पढ़ पाएंगे, क्योंकि लिखे हुए हैं ऑलरेडी। देखिए, तीन महामंत्र हैं। तो ये मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात्। श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अब अगला मंत्र है श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अगला है संतुलन मंत्र, और ईड़ा नाड़ी के लिए है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली महाभैरव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। पिंगला नाड़ी के लिए, दैट मीन सूर्य नाड़ी के लिए, ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती महाहनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सुषुम्ना नाड़ी के लिए, ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। एक्चुअली मेरा गला थोड़ा सा ब्लॉक है अभी भी, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बस यही था कि जब हम मंत्रों का उच्चारण सबके साथ करते हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ मंत्र लिखे हुए मिल जाते जिनसे हम उच्चारण जो है ठीक ढंग से कर पाते, क्योंकि कई बार समझ में नहीं आता कि सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना ही था कि आप लिखे हुए ये मंत्र देख पाएँ और इनको सही से पढ़ पाएँ, इनका उच्चारण एकदम सही से कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री माता जी।